मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार चंपावत को आदर्श जिला बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत किसानों और बागवानों की आय में भी बढ़ोतरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत चंपावत में सेब के 100 बगीचे लगाए गए हैं। इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने चंपावत में आयोजित सेलिब्रेटिंग एप्पल हार्वेस्ट कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों और बागवानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में फलों के उत्पादन के लिए विशेष कार्यक्रम चला रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सेब को नई पहचान देने के लिए एप्पल मिशन के तहत 80% सब्सिडी देकर नई सेब नीति बना रही है। जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां सेब उत्पादन के लिए अत्यंत उपयुक्त है और हमारा चंपावत क्षेत्र तो उसमें सबसे अधिक माना जाता है। यहाँ के सेब गुणवत्ता, स्वाद, पोषण तत्वों के लिए इस भर में प्रसिद्ध है। भाइयों बहनों, हमने राज्य में नई सेब नीति बनाई है। इसमें हमने 8 साल में 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में सेब की अधिक बागवानी का लक्ष्य रखा है। हमारा लक्ष्य है कि हम प्रदेश में सेब का सालाना टर्नओवर है वो 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए तक पहुंचाए। इस मौके पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि अगर पहाड़ों में लोगों की आमदनी बढ़ानी है तो निश्चित रूप से बागवानी की ओर जाना होगा। देखिए, पहाड़ों को अगर हमने आमदनी पहाड़ों की बढ़ानी है तो हमको निश्चित तौर पर जो है कि बागवानी की तरफ जाना होगा। कार्यक्रम में आए किसान कमल गिरी ने बताया कि वह पहले खेती बाड़ी करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री के प्रयास से उन्होंने एप्पल मिशन से 2 यूनिट 500 सेब के पेड़ लगाए, जिससे 20 कुंतल सेब का उत्पादन हुआ। मैं पहले से ही खेती में था तो मैं पहले मेरे पास हॉर्टिकल्चर की मदद से मेरे पास 2 पोलिया होते हैं, 100 स्क्वायर मीटर में है, 50 स्क्वायर मीटर में है और मेरे पास हॉर्टिकल्चर की मदद से मुझे घेरवाड़ मिली है, 2 लाख की घेरवाड़ थी जिसमें 1 लाख की सब्सिडी मिली है। लेकिन पहले जब मैं किसानी करता था तो उतनी आय अर्जित नहीं कर पा रहा था, लेकिन बीच में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके आशीर्वाद से एप्पल मिशन के तहत हमें 2 यूनिट है मेरे पास, 500 पौधे लगाए गए। 500 पौधों में आज कम से कम 20 कुंटल सेब का जहाँ उत्पादन हुआ है।